अवसर नहीं मिलना चाहिए। साथियों, कांग्रेस और एनडीए गाड़ी का एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ, नोट कमाओ। लेकिन हमने इन 10 वर्षों में समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए काम किया। एनडीए ने युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया। एनडीए ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया ताकि देश में उद्योग बढ़े। एनडीए ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया ताकि युवाओं को ज्यादा अवसर मिले। आज स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है। यानी जिस युवा को कांग्रेस ने नौकरी और रोजगार के लिए तरसा दिया था, भारत का वो युवा अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहा है। अगले कार्यकाल में भाजपा एनडीए युवाओं को और ज्यादा अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भाजपा ने घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत अब 10 लाख के बजाय 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, बिना गारंटी दिया जाएगा। अगले 5 साल में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश करेगी, इससे भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो और विकसित भारत की एक गारंटी है। इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। पहले जिन सेक्टर्स में महिलाओं के काम करने की पाबंदी थी, मोदी ने उस पाबंदी को खत्म कर दिया। हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के जरिए सरकारी नौकरी में लाखों भर्तियां की। इससे सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महाराष्ट्र में यहां कोल्हापुर में सहकारी समितियों में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार ने पहली बार अलग सहकारी मंत्रालय बनाया। हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। यहां महाराष्ट्र में भी पिछले 10 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेके काम कर रही है। साथियों, आज यही नारी शक्ति जब मोदी का सुरक्षा कवचर बनकर खड़ी है तो कांग्रेस वालों की जरा तकलीफ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और आप भूलिएगा नहीं, वीरांगना ताराबाई के देश में कांग्रेस के युवराज शक्ति का विनाश करने की बातें करते हैं। साथियों, कोल्हापुर विकास और विरासत की संभावनाओं से भरा क्षेत्र है, लेकिन एनडीए अगाड़ी की सरकारों ने इस क्षेत्र की इतनी उपेक्षा की। आज केंद्र की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और भाई अजीत पवार की सरकार कोल्हापुर के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुंबई बेंगलुरु हाईवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के जरिए महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। हमने कोल्हापुर और क्षेत्र के नई ट्रेनें दी है और भविष्य में यहां वंदे भारत ट्रेनें भी चलेगी। हमने कोल्हापुर वैभववाड़ी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जिससे कोंकण क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। कोल्हापुर एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में अंबाबाई शक्तिपीठ का आशीर्वाद प्राप्त है। आने वाले समय में अच्छी सड़कों और सुविधाओं के कारण लाखों भक्त अंबाबाई के दर्शन करने आएंगे।